मामले पर आज एक बड़ा फैसला आया है और जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फैसले को अपने पास सुरक्षित रखा है कि आगे चलकर इस पर 22 सितंबर को सुनवाई करी जाएगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी कानून के राज को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी असामाजिक तत्व को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। पुलिस अधीक्षकों को जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि गश्त बढ़ाएं और ऐसे सभी लोगों पर निगरानी रखें जो कानून तोड़ सकते हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिस तरीके से इतना बड़ा फैसला आया हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन जिस तरीके से अभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुन रहे थे, वो भी इनके सम्मान की बात कर रहे हैं और इस फैसले के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग सामंजस्य बनाकर आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी कानून के तहत मेंटेन करना है। हम हर स्थिति मेंटेन करेंगे। 144 भी सर लागू की गई थी, किस तरीके से कानून व्यवस्था? कारण ये है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व ऐसा कोई घटना का अंजाम न दे, इसलिए सतर्कता के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, एक बार फिर से सुनवाई है, क्या लगता है सर आपको किस तरीके का एक फैसला निकल कर आएगा? सर के निर्णय को पहले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी माननीय न्यायालय देगा उसका हम सब सम्मान करके आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि हम न्यायालय के